कामयाबी का नशा और ज्यादा। राजनीति कैसे किसी मशहूर इंसान को ले डूबती है, इसका जीता जागता सबूत देखना हो तो नामचीन गायक सोनू निगम को देख सकते हैं। कभी सोचा है कि इतना बड़ा सिंगर अचानक हिंदी सिनेमा से कैसे गायब हो गया? बॉलीवुड के आकाश में अकेले सूर्य की तरह चमकने वाले इस मशहूर गायक को घमंड कैसे ले डूबा? चलिए पूरी कहानी हम सुनाते हैं। सोनू निगम हरियाणा के फरीदाबाद शहर में 30 जुलाई 1973 के दिन पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि इनके पिता अगम कुमार निगम भी अपने जमाने के गायक हुआ करते थे। इसी वजह से सोनू को गायकी तो विरासत में मिल गई थी। इनके पिता उस जमाने में शादियों पार्टियों में गाया करते थे। जब सोनू सिर्फ 4 साल के थे तो एक दिन वो भी पिता के साथ स्टेज पर पहुंच गए। मोहम्मद रफी के बड़े चाहने वाले थे तो उनका एक मशहूर गीत क्या हुआ तेरा वादा गा दिया। 4 साल के बच्चे की आवाज ने लोगों पर जादू कर दिया। पिता तो इतने प्रभावित हो गए कि फिर जिस भी पार्टी या शादी में गाने जाते सोनू को जरूर ले जाते। बाप बेटे की जोड़ी कमाल करने लगी। सोनू संगीत प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने लगे। मगर आप सोच रहे होंगे कि फरीदाबाद में शादी के स्टेज और रामलीला में गाने वाला ये गायक मुंबई का इतना मशहूर गायक कैसे बन गया। ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। अगम कुमार निगम अपने बेटे की प्रतिभा समझ चुके थे। उन्होंने एक दांव खेला। जब सोनू 18-19 साल के थे तब फरीदाबाद छोड़ दिया और उनको लेकर मुंबई चले आए। सोनू गाते तो बड़ा मधुर थे मगर किसी भी गायक को बड़ा बनने के लिए शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। यह बात गायक होने की वजह से अगम बखूबी जानते थे। इसी वजह से वो बेटे को सीधा लेकर आ गए थे मुंबई। सोनू निगम को असली सुर क्या होते हैं ये महान शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान ने सिखाया। वह अब संगीत में पारंगत हो चुके थे, बस एक ब्रेक की तलाश में थे और वह ब्रेक दिया टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार ने। उन्होंने एक बार सोनू निगम को गाते हुए देखा था। वो रफी के गीत ही गाया करते थे। गुलशन उनके भीतर छिपे बेमिसाल गायक को पहचान गए। उनसे बोले कि बेटा मैं तुमको बड़ा कलाकार बनाऊंगा। टी सीरीज कंपनी वैसे भी उस समय नए गायकों को मौका दे रही थी। गुलशन कुमार ने रफी की यादें नाम से एल्बम निकाला और सोनू को पहला बड़ा ब्रेक मिल गया। टी सीरीज के एल्बम ने उनको थोड़ी पहचान दिला दी। 1990 की बात है, गुलशन कुमार जानम नाम की फिल्म बना रहे थे। सोनू की आवाज उनको बहुत पसंद आती थी, इस वजह से उन्होंने पहली बार गायक को बॉलीवुड फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग का मौका दे दिया। सोनू ने गाना तो गाया मगर अफसोस फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। मगर 2 साल बाद टी सीरीज की फिल्म से पहली बार उन्होंने हिंदी सिनेमा की गायकी में कदम रखा। वो फिल्म थी आजा मेरी जान और उनका पहला गीत बना ओ आसमान वाले। इस शो ने सोनू को थोड़ा और नाम दे दिया मगर जिस फिल्म ने उनको बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया वो फिर गुलशन कुमार ने ही उनको दी। 1995 की बात है, गुलशन कुमार अपने भाई किशन कुमार को लेकर फिल्म बना रहे थे। उन्होंने नितिन मुकेश और उदित नारायण जैसे दिग्गजों के साथ सोनू को भी प्लेबैक सिंगिंग का मौका दे दिया। फिल्म थी बेवफा सनम और इसके रिलीज होते ही सोनू निगम, उदित और नितिन मुकेश जैसे दिग्गजों पर भारी पड़ गए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गीत और ये धोखे प्यार के धोखे गीत ने उनको रातों रात टॉप सिंगर बना दिया। मगर अभी तो शुरुआत भर थी। 2 साल बाद फिल्म आई बॉर्डर, इसमें सोनू ने गीत गाया संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। इस गीत से उन्होंने बॉलीवुड में धूम मचा दी। अब तो सोनू निगम कामयाबी के उस रथ पर बैठ गए जो कभी पीछे नहीं मुड़ता था। उन दिनों प्राइवेट एल्बम का जमाना था, हर बड़ा सिंगर अपनी एल्बम निकाल रहा था। सोनू ने भी अपनी किस्मत आजमाने की योजना बनाई। साल 1999 में उनकी पहली प्राइवेट एल्बम आई, किस्मत बुलंद थी। आते ही एल्बम पूरे भारत के संगीत प्रेमी युवाओं के बीच छा गई। एल्बम का नाम था दीवाना। इसके एक एक गाने उस दौर के युवाओं के सिर चढ़कर बोलने लगे। अगले ही साल सन 2000 में उन्होंने एक और एल्बम रिलीज कर दिया, नाम था जान। इस एल्बम की लोकप्रियता ने तो दीवाना को भी पीछे छोड़ दिया। लड़कियां तो अब सोनू की ऐसी दीवानी हो गई कि उनके घर लाल स्याही से लिखे लव लेटर पहुंचने लगे। अब तो सोनू जिस गाने को गा देते वही हिट हो जाता था।
साथ ही फिल्म का टाइटल सॉन्ग हो या कल हो ना हो, फिल्म का टाइटल ट्रैक उनको दो दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कल हो ना हो के लिए तो वो राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीत चुके हैं। इसके अलावा वो न जाने कितनी बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किए गए। कभी चंद रुपयों के लिए शादी में गाने वाले सोनू की फीस एक एक गीत के लिए लाखों रुपए पहुंच गई। वो कामयाबी के सातवें आसमान पर पहुंच गए। इसी बीच राजकुमार कोहली जैसे डायरेक्टर ने उनको अपनी फिल्म जानी दुश्मन में एक्टिंग का मौका भी दे दिया। मगर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वो अचानक से बॉलीवुड से कैसे गायब हो गए। उनके गायब होने की कहानी बताने से पहले उनकी निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। साल 1995 में सोनू एक कार्यक्रम में गए हुए थे। यहां उनकी मुलाकात एक बंगाली लड़की से हुई जिसका नाम मधुरिमा था। लड़की को भी गाने का शौक था। ऐसे में दोनों की दोस्ती हो गई। 7 साल तक दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, बातें करते रहे। दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने साल 2002 में शादी कर ली। इनका एक बेटा है जिसका नाम निवान है। वो भी गाने का शौक रखता है। अब बताते हैं कि सोनू अचानक गायब कैसे हो गए। असल में कामयाबी का नशा और सफलता का घमंड उनका बॉलीवुड करियर ले डूबा। दोस्तों, जिस सोनू निगम को टी सीरीज ने स्टार बनाया था, वो बाद में उसी कंपनी के दुश्मन बन गए। वो टी सीरीज को संगीत माफिया बताने लगे। गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार से सोशल मीडिया में खुलेआम लड़ने लगे। गुलशन जी की बहू दिव्या ने तो नाराज होकर उनको एहसान फरामोश तक कह दिया था। इतना ही नहीं, अभिनेता सलमान खान से भी वो झगड़ बैठे थे। सलमान की एक फिल्म में उनसे एक गीत गवाया गया, मगर किन्हीं वजहों से वो गीत बाद में सलमान खान की आवाज में डब किया गया। सोनू को ये बात पता लगी तो वो भड़क उठे और सलमान खान का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर जमकर निशाना साधा। बाद में सलमान ने भी उनको जवाब दिया था, जिससे दोनों की आपसी लड़ाई जग जाहिर हो गई थी। इतना ही नहीं, साल 2010 में रोबोट फिल्म में एक गीत कमाने के लिए महान संगीतकार A.R. रहमान उनके पास पहुंचे। सोनू ने उनको यह कहकर साफ मना कर दिया कि वो ऐसे चीप गीत नहीं गाते हैं, साथ ही उनको भी इससे दूर रहने की सलाह देने लगे। हद तो तब हो गई जब एक इंटरव्यू में उन्होंने रहमान की गायकी को 10 में से 2 नंबर देकर नया विवाद खड़ा कर दिया। वहीं संगीतकार हिमेश रेशमिया के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। वो भी एक गीत लेकर पहुंचे, मगर सोनू ने उसे भी चीप बोलकर गाने से मना कर दिया। इसके अलावा कभी अजान विवाद, कभी देवी काली से राधे माँ की तुलना, तो कभी खुद को पाकिस्तानी गायक होने के बेतुके बयानों से अपने चाहने वालों का भी दिल तोड़ते गए। कामयाबी के घमंड में बड़ी म्यूजिक कंपनी, बड़े संगीतकारों और बड़े स्टार से पंगा लेना और बेवजह की राजनीति उनको ले डूबी। उनको कंपनी ने तो काम देना बंद ही कर दिया। साथ ही अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनसे अपनी फिल्म में कोई गाना गवाना भी चाहता तो कंपनी मना कर देती। बाकी रही सही कसर सलमान खान से दुश्मनी ने निकाल दी। अरिजीत सिंह जैसे नए गायक कमाल करने लग गए तो अब बॉलीवुड के संगीतकारों और म्यूजिक कंपनियों को भी उनका विकल्प मिल गया और सोनू हिंदी सिनेमा से गायब ही हो गए। वैसे 49 साल के सोनू के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो अपने परिवार के साथ शानदार जिंदगी जीते हैं। उनके पास मुंबई ही नहीं, दुबई जैसे शहर में भी बंगला है और करोड़ों रुपए की संपत्ति है। इन दिनों वो कन्नड़ जैसी दूसरी भाषाओं के गीत गाया करते हैं, साथ ही विदेशों में कार्यक्रम करके पैसा कमाते हैं। कभी कभार बॉलीवुड फिल्मों में उनकी आवाज सुनने को मिल जाती है। दोस्तों, आपको सोनू निगम कैसे लगते हैं? उनका कौन सा गीत या एल्बम आपको पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।